सो नेक्स्ट टॉपिक को मूव होते हैं, जो कि वीपीएन, साइट टू साइट वीपीएन। अब यहाँ पे आपको तीन ऑप्शंस भी देता हूँ ना, जैसा कि साइट टू साइट वीपीएन बोल तो पॉइंट टू पॉइंट वीपीएन रहता, और एक एक रहता हब एंड स्पोक, जो कि एक हब है फिर स्पोक है, और एक एक है मेश। मेश बोले तो मल्टीपल राउटर्स रहते, पूरे एक को एक कनेक्टेड रहते समझो, बोल तो हर एक डिवाइस, हर एक ब्रांच या तो अदर डिवाइस के साथ उन्हें टनल बना लेता तो मैश के अंदर। लेकिन अपन जो इवेल्युएशन कर रहे हैं, इवेल्युएशन के अंदर सिर्फ और सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट ही कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास लाइसेंस सिर्फ दो ही डिवाइस मैनेज करने के है, इसलिए साइड टू साइड वीपीएन ही कर सकते। आप इन स्पोक एंड मैश की टोपोलॉजी नहीं कर सकते, क्योंकि दो में मैश डजेंट मेक एनी सेंस। ठीक है, नाउ हाँ अब रिक्वायरमेंट ये है कि लैब का, कि दोनों को बीच में FTD1 और FTD2 के बीच में जो है, सो हमको साइड टू साइड वीपीएन कॉन्फ़िगर करना है। और उसकी वजह यह है क्योंकि जो ये इनसाइड पीसी है, मैं इनसाइड पीसी को, ये वाला सर्वर को एक्सेस कराना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो एक्सेस देना चाह रहा हूँ कि ये इनसाइड पीसी गोइंग टू आउटसाइड, ये सर्वर को जब एक्सेस, ऑलरेडी जब अपन बाहर जा रहे हैं, लेकिन ये प्राइवेट एड्रेस है, तो प्राइवेट एड्रेस इंटरनेट के ऊपर राउटिंग नहीं होती, तो उसकी वजह से हम क्या कर रहे हैं, साइड टू साइड वीपीएन बना रहे हैं। उसको ट्रैफिक एनक्रिप्ट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये ऑर्गेनाइजेशन की ट्रैफिक है, इनसाइड की वाली ट्रैफिक फिर इनसाइड के अंदर ही जा रही, सो इसलिए जो है सो वो ट्रैफिक को एनक्रिप्ट कर रहे हैं, क्योंकि डिवाइस इज एक्सेसिंग दी सर्वर ऑन दी अदर ब्रांच। तो ये एक सिनेरियो ऐसा हो सकता है कि ये आपका हेडक्वार्टर्स होगा, ये आपका डेटा सेंटर होगा, जहाँ पे आपका सर्वर है, उसको एक्सेस करने के लिए आपको इंटरनल, आपके जो भी इंटरनल पीसीज है, जो भी है, उसको जो है सो ओवर IPsec टनल से आप भेज रहे हैं एनक्रिप्ट करके कॉन्फिडेंशियलिटी के लिए। तो वही कॉन्फिगर करेंगे। तो सबसे पहले FMC में जाता हूँ, और यहाँ पे डिवाइस, और यहाँ पे आपको ऑप्शन आ गया साइड टू साइड वीपीएन। राइट, सो यहाँ पे देखो साइड टू साइड वीपीएन का ऑप्शन है, क्लिक करो तो एक नाम दे देंगे, तो ये FTD के लिए है 1 एंड 2, साइड टू साइट। मैं देखो पॉइंट टू पॉइंट है, हब एंड स्पोक है, मैश भी है, लेकिन हम सिर्फ और सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट करेंगे। IQ1 और IQ2 दोनों भी यूज कर सकते हैं आप, लेकिन स्ट्रॉन्ग एनक्रिप्शन IQ2 का है, हालांकि ये क्या बोल सकते अपना इवैल्यूएशन में है, तो IQ1 डेफिनेटली यूज नहीं करना, IQ2 ही यूज करो, क्योंकि थोड़े बहुत स्ट्रॉन्ग एनक्रिप्शन रहते। अब एंड पॉइंट्स कौन कौन है, एंड पॉइंट्स पूछता है ना, तो नोड ए नोड बी। तो सबसे पहले नोड ए मैं क्या करता हूँ, FTD1 को बनाता हूँ, नोड बी जो है सो इसको किसको बनाता हूँ, FTD2 को बनाता हूँ। तो यहाँ पे नोड ए पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे डिवाइस देखो। अब यहाँ पे तीन ऑप्शंस है आपके पास, एक है FTD1, एक है FTD2, और एक है एक्स्ट्रानेट। जब ये तो अपना सिनेरियो हो गया हेडक्वार्टर, हेडक्वार्टर या तो डेटा सेंटर के बीच में, जो ये खुद के ब्रांचेस है आपके, ठीक है, और आप दोनों को भी खुद ही मैनेज कर रहे। अगर इन केस, अगर आपका ये जो हेडक्वार्टर्स है, अगर आपका ये ऑर्गेनाइजेशन किसी और ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू, या तो किसी और कंपनी के थ्रू आपके साथ साइड टू साइड वीपीएन करना रहा, तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्या बोल सकते, एयरटेल ले लो तुम्हारा, अब हमारा टेलस्ट्रा ले लो, कोई भी हो सकती कंपनी, तो आप इन दोनों के बीच में जब कम्युनिकेशन करा रहे, तो ये थर्ड पार्टी हो गई, करेक्ट, ये कौन है कि क्या है कि, लेकिन आपका एक एग्रीमेंट हुआ कि हम दोनों जो है सो वीपीएन कनेक्ट करेंगे और उसके थ्रू जो है सो कम्युनिकेशन कराएंगे। जब ये थर्ड पार्टी आ जाती, तो आप एक्स्ट्रा नेट वाला ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं, लेकिन हमारी टोपोलॉजी में दोनों भी कौन मैनेज कर रहे, आप खुद ही मैनेज कर रहे, और ये एक ही ऑर्गेनाइजेशन को असाइन होके है, सिंगल ऑर्गेनाइजेशन, बट मल्टीपल ब्रांचेस होता ही है। अगर यहाँ पे क्या है, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन है यहाँ पे, इसलिए जो है सो जब भी डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन आता, तो आप नोड वन अपना FTD1 ही लेंगे आप,
जब नोट टू का ऑप्शन जब सेलेक्ट करेंगे तो एक्स्ट्रा नेट बोल के सेलेक्ट करेंगे आप, क्लियर है? अगर हाँ मैं एक्स्ट्रा नेट बोल के आप सेलेक्ट करा समझो, तो देखो डिवाइस का नाम पूछ रहा, यहाँ पे आप जो है सो उसका आईपी एड्रेस दे सकते हैं, या तो डिवाइस का कोई नाम दे सकते हैं और प्राइमरी आईपी एड्रेस यहाँ पे दे सकते हैं आप, जो उसका पब्लिक आईपी है। अच्छा अब जैसा कि आपने दोनों भी अपन ही मैनेज कर रहे हैं, तो मेरे को मालूम है FTD1 है। जैसा मैं FTD1 सेलेक्ट करा, कौन सा इंटरफेस है, मैं बोल रहा हूँ आउटसाइड इंटरफेस है, ऑटोमेटिक उन्हें आईपी एड्रेस ले लिया। कनेक्शन टाइप बाई डायरेक्शनल रखना हमेशा। कौन से सबनेट को आप प्रोटेक्ट करना चाह रहे, तो मैं इनसाइड वाले नेटवर्क को प्रोटेक्ट करना चाह रहा हूँ पूरा। तो उसके लिए मैं क्या करा था, एक ऑब्जेक्ट बनाया था राइट, इनसाइड FTD1 इनसाइड नेटवर्क बोल के, तो मैं वो वाला यूज करता हूँ अब यहाँ पे। प्लस साइन पे क्लिक करके जो ऑब्जेक्ट है FTD1 इनसाइड नेटवर्क ऐड करता हूँ, ओके करता हूँ। अब एनेबल नेट ट्रेवल से डिजेबल करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे दो चीज़ें हैं, एक है एनेबल नेट ट्रैवर्सल और एक है एग्जेम्प्ट वीपीएन ट्रैफिक। तो बात करेंगे पहले एग्जेम्प्ट वीपीएन ट्रैफिक। जो भी अपन ट्रैफिक भेज रहे हैं अपन अपनी FTD1 से FTD2 को राइट, तो ये FTD1 है, ये FTD2 है। तो अपन अगर आपको याद है तो ये जो इनसाइड पीसी है, जब इन्हें इंटरनेट को जा रहा तो इन्हें क्या करके जा रहा, नेटिंग करके जा रहा करेक्ट। और यहाँ पे भी जो उसका सर्वर है, जब भी उन्हें आउटसाइड जा रहा तो उन्हें भी नेट होके जा रहा राइट। तो जब भी आप वीपीएन कॉन्फ़िगर करते हैं, तो वीपीएन कॉन्फ़िगर करते सो टाइम पे नेट एग्जेम्प्ट करना जरूरी है। अगर जब भी हम इन दोनों के बीच में वीपीएन कॉन्फ़िगर कर रहे हैं, तो आप FTD1 को क्या बोल रहे हैं कि भाई मेरा जो इनसाइड नेटवर्क है ये आपके इनसाइड नेटवर्क से कम्युनिकेशन करना चाह रहा बोल रहे हैं। तो अब ये क्या है नेटवर्क, ये 192.168.0.0/16 नेटवर्क कम्युनिकेट करना चाह रहा किसके साथ, 10.0.0/1.1.0.24। तो जब ये इंफॉर्मेशन जब इन्हें इसके पास भेजेगा, तो उसको मालूम होगा ना कि भाई ओके, तो ये वाला सर्वर सबनेट जो है सो ये वाले सबनेट को कम्युनिकेट करना चाह रहे और हम लोग जो है सो वीपीएन करें। अगर नेट हो गया तो क्या होता, ये सबनेट की जगह क्या लेके जाता, उन्हें आउटसाइड इंटरफेस का वो एड्रेस लेके जाता। अब ये आउटसाइड इंटरफेस का पब्लिक आईपी एड्रेस लेके गया तो उन्हें क्या बोलता, नहीं भाई मेरी पॉलिसी में आपको अलाउ करने का नहीं है, तो ट्रैफिक ड्रॉप नहीं हो जाती, इसलिए नेट एग्जेम्प्ट करना। तो कभी भी उन्हें जो पैकेट भेजता ना, तो पैकेट के अंदर उसको एक्चुअल जो आईपी एड्रेस है जो कम्युनिकेट करना चाह रहे हो उसके डिटेल्स उन्हें सेंड करता, नहीं तो नेट करके भेजा बोले तो फिर आपको प्रॉब्लम होती। कहीं बोले तो उन बोलता भाई तुम्हारे को मैं अलाउ नहीं कर सकता, तुम्हारी मेरी पॉलिसी में आपको अलाउ करना नहीं है बोलता, ठीक है? इसलिए नेट एग्जेम्प्ट डेफिनेटली, वीपीएन कभी भी कॉन्फ़िगर करे तो नेट एग्जेम्प्ट करना ही करना है। नेक्स्ट आ जाते हैं नेट ट्रेवर्सल। अब सेम सिनेरियो, FTD1 है और यहाँ पे FTD2 है, इनका भी एक ISP है, इनो भी एक ISP है और इन लोगों का भी जो है सो पूरे इंटरनेट पे कनेक्टेड है, ठीक है? अब इनका ISP1 इनका ISP2 यानी अलग अलग कैरियर्स है यहाँ पे, हालांकि तुम्हारा एक ही एक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है? तो यहाँ पे समझो आप एयरटेल वाले को यूज कर रहे हैं, यहाँ पे जो है सो आप जियो वाले को यूज कर रहे हैं करेक्ट, अलग अलग कैरियर्स है। तो आपके पास पब्लिक आईपी एड्रेस नहीं है, तो ये अपना हेडक्वार्टर्स है, यहाँ पे तो पब्लिक आईपी एड्रेस है ठीक है, स्टैटिक आईपी है, लेकिन ये वाले ब्रांच में आपके पास स्टैटिक आईपी नहीं है फॉर सम रीजन। तो इनो जब भी इंटरनेट ISP के पास जा रहे हैं, तो यहाँ से आप नेट करके भेज रहे हैं आपकी ट्रैफिक को करेक्ट, इनसाइड से। अब ये वाली नेट ट्रैफिक ऑलरेडी किसके पास जा रही, फिर तुम्हारे ISP जियो के पास जा रही, फिर जियो भी क्या कर रहा जब इंटरनेट को भेज रहा, तो उन्हें भी नेट करके भेज रहा, समझ गए? तो वो टाइम पे नेट ट्रेवर्सल काम में आता। अब एक जगह स्टैटिक आईपी एड्रेस है, मतलब ये डिवाइस को कम्युनिकेट कर सकता, इसको रास्ता मालूम है, लेकिन ये डिवाइस तक पहुंचने का रास्ता नहीं मालूम है कई को। इन्हें कहाँ पे, ये जो इसका ISP है उसको नेट करके इंटरनेट पे भेज रहा हूं,
तो आपको एग्जैक्टली नहीं तो मालूम है ना कौन सा आईपी लगे हुआ है, क्या लगे हुआ है, कैसा जाना है, नहीं मालूम रास्ता। लेकिन इन्हों पब्लिक है, स्टैटिक है, मतलब इंटरनेट पे सबको मालूम है उनका रास्ता। तो आप क्या करते हैं, तो एक जगह कभी भी जब भी नेट ट्रेवल में रहते तो स्पेसिफिकली बोलना पड़ता। तो मैं ये डिवाइस को बोलता हूँ FTD1 को, कि जो दूसरा डिवाइस है वो नेट ट्रेवल के पीछे है। तो इससे क्या होता है, उसको एक आइडिया होता है, ओके तो इनके पास जो है सो यहाँ पे DHCP एड्रेस है, और जो उनका ISP है उन्हें नेट करके जो है सो इंटरनेट पे ट्रैफिक भेज रहा बोल के। तो इनो जब कनेक्शन आता, जब FTD2 FTD1 को भेजता कनेक्शन, तो उसको मालूम होता, अच्छा ये नेट ट्रेवल वाला है, मैं इसको एक्सेप्ट करता हूँ बोल के बोलता हूँ, समझे। तो इसलिए जब वो सिनेरियोस में जो है सो आप नेट ट्रेवल यूज कर सकते हो। ये एक्यूरेट डिस्क्रिप्शन नहीं है, लेकिन ओवरऑल एक आइडिया देता आपको, ठीक है। तो मैं FTD1 लिया, आउटसाइड इंटरफेस ले लिया, और किसको मैं प्रोटेक्ट कर रहा हूँ, अपना FTD1 के इनसाइड नेटवर्क को प्रोटेक्ट कर रहा हूँ, और एग्जेम्प्ट VPN नेट बोल के वो ये ऑप्शन सेलेक्ट कर रहा हूँ। फिर बाद में उसको वेरिफिकेशन भी देखेंगे अपन। अब नोट बी कौन है, अपना FTD2 है, और इसका भी कौन सा है, आउटसाइड इंटरफेस है, ऑटोमेटिक आईपी एड्रेस आ गया, और हम किसको सिक्योर कर रहे ट्रैफिक, FTD1 FTD2 FTD2 इनसाइड नेटवर्क, इसका भी एंड डिसेबल कर दे तो एनेबल नेट ट्रैवर्सल, क्लिक ओके। अब आईपी से आईक वर्जन 1 एंड 2, तो आईक वर्जन 2 की जो सेटिंग्स है ऑलरेडी यहाँ पे सेलेक्ट होके है, प्री शेयर ऑटोमेटिक की है यहाँ पे। अगर आपको सर्टिफिकेट यूज करना है सर्टिफिकेट यूज करो, अगर आपको मैन्युअली वो देना है पासवर्ड देना है तो दे सकते, लेकिन मैं यहाँ पे प्री शेयर ऑटोमेटिक ले रहा हूँ ताकि आपका कॉन्फ़िगरेशन बहुत इजी हो जाता। नेक्स्ट आईपी सेक टनल, तो ये पूरा हो गया IKE V1 वाला टनल, जहाँ पे आप एनक्रिप्शन डिफाइन करते हैं। अगर आपको याद है तो VPN के टाइम पे मैं तुम्हारा बताया था, राइट, अपनी एक पॉलिसी क्रिएट हाँ करते थे, पॉलिसी के अंदर आप क्या बोलते थे, एनक्रिप्शन क्या है, ग्रुप क्या है, हैश वैल्यू क्या है, एनक्रिप्शन तो ये वाले डिटेल्स दे रहे थे, राइट, इंटीग्रिटी क्या है। तो ये फेज 1 हो गया था। फिर फेज 1 के अंदर हाँ आप एक की रिंग भी बनाए थे। तो की रिंग के हाँ अंदर आप क्या बोल रहे थे, आपका जो की डेस्टिनेशन था रिंग उसको जो है सो फॉर बनाते एग्जांपल R2 था, फिर उसकी जो वो की क्या थी है वो हाँ की दिए थे अपन, तो की रिंग के अंदर अपन ये डिफाइन कर। हाँ तो फेज 1 ये हो गया, फेज 2 क्या हो गया, ये ऑटोमेटिक की अपन क्रिएट नहीं कर रहे हो ना, ऑटोमेटिक क्रिएट कर ले रहा हूँ वहाँ पे, ठीक है। फेज 1 तो ये हो गया। अब आ जाते हैं फेज 2 पे, जो कि आईपी सेक टनल है। अब फेज 2 पे भी सेम है, प्रपोजल बना रहे थे अपन, ठीक है। प्रपोजल के अंदर जो है सो सबसे पहले क्रिप्टो आईपी सेक ट्रांसफॉर्म सेट बना रहे थे, एक्चुअल ट्रांसफॉर्म सेट टी सेट बना बनाते रहे थे, टी सेट बोल के बना रहे थे। फिर उसके बाद हैं अपन एनक्रिप्शन AES, फिर उसके बाद हैश जो है सो उसके SHA हैच मैक बोल के दे रहे बाद थे। फिर प्रोफाइल उसके बाद मोड जो है सो टनल ने तो ट्रांसपोर्ट बोल के दे रहे थे, करेक्ट। तो ये फेज 2 में ये एक पार्ट था। फिर प्रपोजल के अंदर जो है सो आप आईपी सेक का जो है सो वो प्रोफाइल कॉल कर रहे थे, फिर उसके अंदर जो है सो IKE V2 की जो प्रोफाइल है वो भी कॉल कर रहे थे आईपी सेक, और उसके ट्रांसफॉर्म सेट यहाँ पे ट्रांसफॉर्म सेट सेट कर रहे थे, और IKE V2 की जो प्रोफाइल थी वो कॉल कर रहे थे आप। तो यही वही है यहाँ पे भी, देखो मोड टनल बोल के दिया उन्हें, ठीक है। उसका जो प्रपोजल है, जो एनक्रिप्शन जो भी है, ये एनक्रिप्शन यहाँ पे हो गया। एनेबल रिवर्स राउट इंजेक्शन है, क्योंकि रिवर्स राउट का इंजेक्शन ऑटोमेटिक डाल लेता, तो उन्हें पूरा ऑटोमेटिक है आपको वो कर ले रहा। और यहाँ पे देखो उसकी लाइफ टाइम ड्यूरेशन भी कितनी है, उन्हें खुद ही सेट कर ले, अगर आपको सेट करना है आप कर सकते हैं। तो ये फेज 2 के जो कॉन्फ़िगरेशन है ये वाले हैं। अब एडवांस में चलो, अब यहाँ एडवांस के अंदर अगर आपको क्रिएट करना है आईपी सेक टनल, एनेबल तो है ऑलरेडी, टनल मोड भी है, IKE V2 यहाँ पे देखो कीप अलाइव है, IKE V2 के अंदर जो सिक्योरिटी एसोसिएशन है, कुकी क्या है, चैलेंज क्या है, ये सब एडवांस है छोड़ दो। अगर आपको क्रिएट भी करना है तो आप वो क्रिएट भी कर सकते हैं। तो ये एंड पॉइंट हो गए, ये IKE V है, इसको एडिट करो तो आप अपने एनक्रिप्शन वैल्यूज भी आप क्रिएट कर सकते हैं,
और वैसे ही IPSec पे जाओ, यहाँ पे एडिट करो प्रपोजल के जो एन पिक्चर्स, फेज टू का जो एनक्रिप्शन है वो भी आप एडिट कर सकते। मैं डिफॉल्ट इसलिए यूज कर रहा हूँ क्योंकि अपन वो ही यूज कर सकते हैं, दूसरा अगर आप सेलेक्ट करते कि वो VPN नहीं बनता। गॉट इट? ठीक है, तो मेरा पूरा VPN करेक्ट है, क्लिक ऑन सेव। ऑलराइट, सो एट दिस मोमेंट सीधा मैं क्या करता हूँ, अभी FTD1 में जाता हूँ, शो राउट में देख लो यहाँ पे कहीं भी 10 नेटवर्क दिख रहा, नहीं, और यहाँ पे FTD2 है, FTD2 के अंदर यहाँ पे भी मैं वन शो सेवेंटी राउट टू 172 का नेटवर्क दिख रहा। नहीं जी। अब जैसा मैं ये पॉलिसी पुश करता हूँ तो एक उन्हें एक VPN राउट बना लेता, और एक एक भी चीज देखेंगे अपन, दैट इज शो नेट बोल के मारता हूँ। तो यहाँ पे देखो नेट क्या बोल रहा है ना, इनसाइड टू आउटसाइड FTD1, फिर DMZ टू आउटसाइड बोल के बोल रहा FTD1 में। सेम चीज FTD2 में अगर मैं शो नेट बोल के बोला तो उन्हें खाली इनसाइड से आउटसाइड नेट कर रहा हूँ, ठीक है, जो अपन कॉन्फिगर करे थे। नेक्स्ट डिप्लॉय, दोनों को सेलेक्ट करके डिप्लॉय करता हूँ। सो डिप्लॉयमेंट कंप्लीट होने दो, उसके बाद फिर अपन वेरीफाई करेंगे। ऑलराइट, अपन VPN कर रहे थे तो कंटिन्यू कर रहा हूँ, सेम टू सेम VPN, कुछ भी चेंज नहीं है टोपोलॉजी में, सब सेम है, बस फर्क इतना है कि DMZ को भी निकाल दिया टेम्पररली। लास्ट टाइम जब VPN कर रहे थे अपन 7.4.1 वर्जन के अंदर कर रहे थे, जबकि उसके अंदर कितना भी ट्राई करो VPN कॉन्फ़िगर हो रहा ही नहीं था, तो इसलिए वापस 7.0 वर्जन पे आ गया मैं। ठीक है, सेम सिनेरियो है, दोनों के बीच में अपने को जो है सो कॉन्फ़िगर करना है, सेम टू सेम वही वही करता हूँ। तो डिवाइस साइड टू साइड VPN, थ्रेट डिफेंस VPN, एक नाम देता हूँ SSH, साइड टू साइड SSH। सो नोड ए अपना FTD1 है एंड वो आउटसाइड इंटरफेस के ऊपर, और जो अपन सिक्योर कर रहे हैं इनसाइड नेटवर्क है, व्हाट इज 172.168.0/0.0/16। अब नोड टू में FTD2 है सेम आउटसाइड इंटरफेस के ऊपर, और जो सिक्योर कर रहे हैं 10 नेटवर्क, दैट इज FTD210 इनसाइड नेटवर्क, और आईक्वेजन IPsec ये ऑलरेडी अपन देखे थे यहाँ पे, टनल वगैरह सब कुछ, कुछ भी चेंजेस नहीं करना है। एडवांस के अंदर भी ये वाली जो पॉलिसी थी, अगर डिक्रिप्शन पॉलिसी अगर आप प्लेस कर रहे तो ही करना है, ना तो नहीं करना है, सेव कर देता हूँ। डिप्लॉय डिप्लॉयमेंट, ठीक है, साइड टू साइड VPN पॉलिसी सेंड कर रहा हूँ, दैट्स गुड। नेक्स्ट, जैसा ये VPN कॉन्फ़िगर हुआ तो मेरे को जो है सो यहाँ पे FTD1 के ऊपर जो है सो अपने को एक राउट दिखना चाहिए, जो कि 10.1.1.0/24 को VPN राउट, और यहाँ पे भी एक VPN राउट दिखना चाहिए 172.168.0/0/16। ठीक है, तो दोनों तरफ पे ये राउट्स दिखना है, बस इतना है कि अब यहाँ से FTD1 पे इनसाइड टू आउटसाइड पॉलिसी अलाउड है, और यहाँ से भी इनसाइड टू आउटसाइड पॉलिसी अलाउड है, लेकिन जब ट्रैफिक यहाँ पे आएंगी तो आउटसाइड से इनसाइड ट्रैफिक डिनाई है, तो अपने को यहाँ पे एक पॉलिसी बनाना पड़ता जो कि आउटसाइड से इनसाइड अलाउ करते। नेक्स्ट थिंग इज दैट, अब जहाँ पे जैसे यहाँ पे ट्रैफिक हिट हो रही, जैसा इन्हें इंटरनेट के ऊपर जा रहा तो उन्हें नेटिंग करके जा रहा है यहाँ पे, तो नेट करने की वजह से क्या होता है कि अब इन्हें इंटरफेस का IP एड्रेस लेके जाता, तो जैसा यहाँ पे आया तो ट्रैफिक डेफिनेटली ड्रॉप होती, क्योंकि ट्रैफिक सिर्फ 172.168.0.0/16 सबनेट को ही अलाउ है, तो उसके लिए अपने को क्या करना पड़ता, नेट एग्जेम्पशन करना पड़ता। तो बेसिकली ऑलरेडी एक नेट इन प्लेस है जो कि 172.168.0/0.16 को जो है सो इंटरफेस IP के साथ उन्हें जो है सो नेट कर देता 10.101।
तो अपने को ये फिर से एक बार एक और एक रूल क्रिएट करना पड़ता, जो कि अपना सोर्स जो है सो 172 नेटवर्क है, डेस्टिनेशन जो है सो 10.1.0/24 नेटवर्क है। तो इसको नेट नहीं करना है, अपने को सेम टू सेम आईपी ही रखना है। क्या रखना है? सेम टू सेम आईपी ही रखना है। तो यहां से इनसाइड से आउटसाइड जा रही तो भी यही रूल रखना है, और यहां से भी इनसाइड से आउटसाइड जा रही तो रिवर्स करके रखना है। ठीक है, तो अगर FTD2 के अंदर नेट एग्जेम्प्ट करना है तो सबसे पहले सोर्स जो कि अपना 10.0.0 उसको ही सेम नेट कर रहे, और जब भी ये 172.168.0.0/16 को जा रही इसको भी सेम यही रख रहे। तो ये दोनों सबनेट्स को जब भी ट्रैफिक जा रही है FTDs पे तो उन लोग नेटिंग नहीं करते, उसके अलावा कोई भी ट्रैफिक जा रही तो उन लोग नेटिंग करके उसको इंटरनेट के ऊपर पहुंचा देते। तो अभी एट दिस मोमेंट मैं क्या करा बोले तो सिर्फ और सिर्फ साइड टू साइड VPN का कॉन्फ़िगरेशन सेंड करा। ठीक है, अभी पॉलिसीज तो एक साइड से ठीक है लेकिन दूसरी साइड से एलिजिबल नहीं है, क्योंकि आउटसाइड से इनसाइड पॉलिसी नहीं बना है। तो सबसे पहले कंफर्मेशन करेंगे कि सबसे पहले FTD1 और FTD2। तो FTD1 के अंदर जाकर मैं श्योर राउट बोल के मार रहा हूँ। तो यहाँ पे देखो एक VPN राउट दिख रही है, कहाँ पे है, और यहाँ पे भी शो राउट। अगर तो यहाँ पे ये VPN राउट दिख रही है आप। तो FTD1 के अंदर VPN राउट कौन सी इंस्टॉल हो गई? 10.1.1.0 वाली, जो कि FTD2 पे। और FTD2 के ऊपर कौन सी राउट इंस्टॉल हो गई? 172.168.0.0 स्लैश 16। सो देखो कनेक्टेड VPN एडवर्टाइज्ड, सॉरी यहाँ पे नहीं, यही है बराबर। ठीक है, तो VPN राउट सबने को दिखे है। कल अपन 7.4.1 वर्जन के ऊपर जितना भी ट्राई कर रहे थे तो ये VPN राउट्स भी नहीं दिखा रहा था, लेकिन आज दिखा रहा। अब जैसा कि अपन सिनेरियो चेक कर रहे थे कि एक साइड से पॉलिसी अलाउ कर रही दूसरी साइड से पॉलिसी अलाउ नहीं कर रही, तो सबसे पहले वो फिक्स करेंगे पॉलिसी, एक्सेस कंट्रोल पॉलिसी। तो सिर्फ FTD2 के लिए अपन को चेंज करना है FTD2, और यहाँ पे एक रूल ऐड करता हूँ, और इसको जो है सो आउट टू इन VPN। सो सोर्स विल बी आउटसाइड, डेस्टिनेशन विल बी इनसाइड। जरूरी है यहाँ पे कौन सा नेटवर्क है, FTD1 का इनसाइड नेटवर्क आ रहा बाहर से कहाँ पे जा रहा है, FTD2 के इनसाइड नेटवर्क दैट इज 172 नेटवर्क इज गोइंग टू 10.1.1.0। पोर्ट्स भी जरूरी है, मैं एट दिस मोमेंट HTTP और ICMP पोर्ट्स यही दो यूज़ कर रहा हूँ और दूसरे यूज़ नहीं कर रहा हूँ, इसलिए वो दोनों ही पोर्ट्स अलाउ करता हूँ। तो यहाँ पे सबसे ऊपर रखता हूँ एंड लॉगिंग एनेबल करता हूँ एट। ठीक है, ऊपर आ गया रूल सेफ। नाउ रूल तो आ गया, दैट्स ओके। नेक्स्ट अपन जब बात कर रहे थे नेटिंग की, तो नेट एग्जेम्पशन करना जरूरी है क्योंकि नेट इन प्लेस है। तो क्योंकि मेरे पीसी को, मैं मैनेजमेंट पीसी ही यूज कर रहा हूँ यहाँ पे, तो मेरा मैनेजमेंट पीसी जो है सो इंटरनेट को एक्सेस है उसको। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे नए उस पे गया और फेसबुक, ठीक है देखो, तो मेरे को इंटरनेट की एक्सेस है, तो इंटरनेट पे जब भी जा रहा वो इंटरफेस का आईपी लेके जा रहा, तो मेरे को नेट एग्जेम्पशन करना भी जरूरी है। तो डिवाइस नेट, और FTD1 के नेट पॉलिसी में जाता हूँ सबसे पहले, और यहाँ पे ऐड रूल, सोर्स इनसाइड डेस्टिनेशन आउटसाइड, ट्रांसलेशन अपना सेम
172 का नेटवर्क है जो कि FTD1, और डेस्टिनेशन ओरिजिनल डेस्टिनेशन एड्रेस जो कि FTD2 का है 10.1.0। इसको किसको ट्रांसलेट करो बोल रहे, एड्रेस को ही ट्रांसलेट करो, कौन से एड्रेस पे ट्रांसलेट करो, सेम डेस्टिनेशन भी क्या रखना है, सेम। सो सोर्स जब 10.1.1 को जा रहा 172 नेटवर्क, तो ट्रांसलेट नहीं करना है, वो ही रखना है। और जब भी FTD और जो डेस्टिनेशन है वो डेस्टिनेशन का भी चेंज नहीं करना है। एडवांस में जाके परफॉर्म राउट लुकअप, ये जरूरी है क्योंकि इंटरनेट के ऊपर प्राइवेट नेटवर्क राउटिंग नहीं होते, तो उन्हें FTD जो है सो नेट एग्जेम कर रहे, तो FTD राउट लुकअप करता कहाँ पे किधर है उसके हिसाब से उन्हें उसको फॉरवर्ड करता। सो बिलो नहीं अबाउट रूल वन, सबके ऊपर रखता हूँ इसको, रूल को हमेशा स्पेसिफिक रूल्स हमेशा ऊपर आते हैं, ठीक है। तो इनसाइड से आउटसाइड वाली नेट एग्जेम्पशन कर दिया जब भी इन्हें 10 नेटवर्क को जा, तो सिमिलरली जब भी रिटर्न ट्रैफिक जा रही, ठीक है, अगर मैं एक जगह ही करा, अगर एक जगह नहीं करा, तो जो रिटर्न ट्रैफिक जा रही तो इन्हें क्या करता, फिर नेट करके इसको फिर इंटरनेट पे भेज के ड्रॉप करा देता पैकेट। तो इधर से भी मैं कोई इनसाइड से आउटसाइड जब जा रहे, तो अपन क्या करना है, नेट एग्जेम्पशन कराना है। तो सेम वही करता हूँ, डिवाइस नेट, और इसको एडिट करता हूँ FTD2 पॉलिसी को, एक रूल ऐड करता हूँ, सेम रूल रहता जो कि इनसाइड से आउटसाइड, ठीक है। और ट्रांसलेशन अपना इस टाइम रिवर्स, FTD2 है ये, तो FTD2 का इनसाइड नेटवर्क, डेस्टिनेशन कौन आता है, FTD1 का है इनसाइड नेटवर्क। ट्रांसलेशन क्या करना है, एड्रेस ही करना है, क्या एड्रेस है, FTD2 इनसाइड, डेस्टिनेशन जो भी होगा सब वही रखना है FTD1 इनसाइड। बट एडवांस में क्या करना है आपको, परफॉर्म राउट लुकअप और इसको अबाउट रोल नंबर वन, ठीक है, स्पेसिफिक वाले ऊपर रखना है सेफ। तो एट दिस मोमेंट पूरा कॉन्फ़िगरेशन सही है, डिप्लॉय कर देता हूँ अभी। ठीक है, कंफर्मेशन भी कर लो कि एक्सेस कंट्रोल पॉलिसी और मैनुअल नेट है डिप्लॉय। बस अब एक बार डिप्लॉय हो गया तो अपनी ट्रैफिक जो है सो एक तरफ से दूसरी तरफ को जाना चाहिए सक्सेसफुली, और हो सका तो वायर शार्क अगर काम कर रहा तो मैं चेक करके एनक्रिप्ट हो रही या नहीं हो रही ट्रैफिक चेक कर, और प्लेटफॉर्म पॉलिसी क्रिएट कर रहा था जो कि मैं आउटसाइड इंटरफेस के ऊपर SSH जो है सो एनेबल कर रहा था। तो एक काम करता हूँ, आउटसाइड इंटरफेस के ऊपर SSH एक्सेस ले ही लेता हूँ, इस पीसी पे जाता हूँ, पट्टी192.168.10.101 नेटवर्क कनेक्शन आउटसाइड इंटरफेस के ऊपर तो इनेबल है, नहीं करने दे रहा हूँ, नेटिंग वगैरह सब कुछ है ना VPN, इसलिए दैट्स फाइन। लेकिन प्लेटफॉर्म पॉलिसीज कहाँ पे है, चेंज कर देता हूँ उसको, एडिट SSH एक्सेस आउटसाइड की जगह इसको इनसाइड कर देता हूँ, FTD1 पेंडिंग प्लेटफॉर्म, ये पहले पॉलिसी पुश हो जाने दो, ठीक है।
ठीक है, तो जैसा अपन क्या क्या करें स्टेप्स, सबसे पहले जो है सो अपन पॉलिसीज के थ्रू अलाउ करें ट्रैफिक दोनों तरफ से, तो यहाँ से इनसाइड से आउटसाइड अलाउड है, फिर आउटसाइड से इनसाइड भी अलाउड है, फिर ऊपर से अपन नेट एग्जेम्पशन भी करें। ओके, दोनों भी कंप्लीट है, फिर से एक बार डिप्लॉयमेंट डिप्लॉयमेंट हिस्ट्री, फिर डिप्लॉयमेंट डिप्लॉयमेंट, फिर दोनों को जैसा प्लेटफॉर्म पॉलिसी है पॉलिसी पुश कर। ठीक है, तो एट दिस मोमेंट सब कुछ ठीक है, तो मेरा जो मैनेजमेंट पीसी है, तो मैनेजमेंट पीसी के थ्रू जो है सो मैं सर्वर जो कि दूसरे ब्रांच पे है वो सर्वर को मैं एक्सेस करता हूँ, तब यहाँ से पिंग 10.1.1.2। पिंग नहीं हो रहा, इंटरनेट तो एक्सेस मिल रहा था इसको, 72.168.1.1, ठीक है वहाँ तक तो जा रहा है, इन्हें पिंग 10.1.1.2 नहीं जा रहा ट्रैफिक। और तो कॉन्फ़िगरेशन चेक करेंगे फिर से एक बार, साइड टू साइड वीपीएन, और एक टेस्टिंग के पर्पस के लिए क्या करता हूँ, नेट निकाल के ट्राई करता हूँ एक बार। पॉलिसी असाइनमेंट दोनों में से भी नेट निकाल देता हूँ, निकालने के बाद ट्राई करता हूँ एक बार। डिप्लॉयमेंट ठीक है, तो विदाउट नेट एक बार ट्राई करेंगे, फिर उसके बाद नेट कर देखेंगे। तो नेटिंग निकाल दिया मैं, नेटिंग निकालने के बाद राउटर से, ये राउटर को तो जा रहा लेकिन मैनेजमेंट पीसी से यहाँ नहीं जा रहा, तो अति स्ट्रेंज। मैनेजमेंट पीसी है अब जा रहा, नेटिंग निकाला, नेटिंग निकालने के बाद तो जा रहा, दैट्स ओके, तो अपना जो वीपीएन है वो सक्सेसफुल है, दैट्स नॉट एन इश्यू। और ऊपर से जो है सो एक बार पार्टीशन इनसाइट का भी ले लेके एफटीडी 1 को एक्सेस करेंगे, 172.168.1.1 पार्टी, रिफ्यूज भी कर रहा कई कुकी, प्लेटफॉर्म पॉलिसी ऑलरेडी सेंड करे फिर भी नहीं बोल रहा है, छोड़ो। ठीक है, ओके, FTD1 के अंदर अगर मैं शो क्रिप्टो आइको वर्जन 2 सा सिक्योरिटी एसोसिएशन हुआ, पोर्ट नंबर 500 के ऊपर जा रहा, दैट्स ओके। आईपी शो क्रिप्टो IP6 नहीं देख सकते क्योंकि इसके अंदर ऊपर नीचे नहीं कर सकते स्क्रॉल डाउन, तो पैकेट्स जो इनक्रिप्ट हुए डिक्रिप्ट हुए वो नहीं दिख रहे, दैट्स फाइन, लेकिन विदाउट वाली विदाउट नेट तो प्रॉपरली जा रही, अब नेट करके देखेंगे क्योंकि नेट करना जरूरी है। तो सेम थिंग, वापिस जाता हूँ, अभी जो पॉलिसीज थे वापिस उन लोगों को फिर से असाइन कर देता हूँ। देखो इनसाइड से आउटसाइड इंटरफेस लेके जा रहा, फिर इनसाइड से आउटसाइड अगर ये पर्टिकुलर डेस्टिनेशन है तो नेट नहीं करना है। तो यहाँ पे ट्रांसलेशन के अंदर डेस्टिनेशन को ट्रांसलेट नहीं करता हूँ, सिर्फ सोर्स को ट्रांसलेट करके रखता हूँ। एडवांस में इसको ओके करो, फिर से एक बार एडिट करता हूँ, एडवांस के अंदर राउट लुकअप का ऑप्शन आना चाहिए,
दैट्स इट। तो उधर भी नेट में वही करता हूँ कि डेस्टिनेशन भी जो है सो ट्रांसलेट कर रहा हूँ ना, तो डेस्टिनेशन ट्रांसलेट नहीं करता हूँ। ठीक है, डेस्टिनेशन यहाँ से डेस्टिनेशन निकाल देता हूँ, क्लिक ऑन ओके। फिर उसके बाद एडवांस परफॉर्म राउट लुकअप, ओके एंड सेव डिप्लॉयमेंट। दोनों भी होना चाहिए ना। ओके, पॉलिसी असाइनमेंट नहीं करा मैं इसको। FTD2 एंड सेव। अब डिप्लॉय करें तो दोनों को भी देना चाहिए नेट, राइट? ओके, डिप्लॉय एंड डिप्लॉय। बस इतना ही है कि यहाँ पे सोर्स जब भी जा रहा, सोर्स एंड डेस्टिनेशन मैच करूँ। जैसा वो ट्रैफिक मैच हुई डेस्टिनेशन पे जब जा रही, तो उसको जो सोर्स पैकेट है वो वैसे ही रख रहा हूँ, डेस्टिनेशन पैकेट को कुछ भी नहीं कर रहा हूँ मैं। तो डिप्लॉयमेंट खत्म होने दो, उसके बाद फिर चेक करेंगे। यस, तो वही मिस्टेक हुई थी अपनी नेट के अंदर, सिर्फ और सिर्फ यही करना था। नेट एग्जम्पशन अपन बराबर ही कर रहे थे, इनसाइड आउटसाइड इनसाइड आउटसाइड, बस डेस्टिनेशन के टाइम पे ही अपन जो है सो गलती कर रहे थे यहाँ पे। अगर मैं सेम रूल्स को ऐड करा, जब ट्रांसलेशन कर रहे, सोर्स और डेस्टिनेशन मैच कर रहे, ट्रैफिक मैच होने के बाद ट्रांसलेट टू दिस एड्रेस ओनली, तो ये अपन निकाल दिए थे, फिर वो ऑटोमेटिक आ गया, मैं कुछ भी नहीं करा। अगर फिर यहाँ पे भी सेम थिंग, इसके पास भी वही कर रहे थे अपन, जो ट्रांसलेशन में था ये अपन यहाँ से निकाल दिए थे, उन्हें ऑटोमेटिक यहाँ पे ले लिया, अपन कुछ भी नहीं कर रहे, ये एम्प्टी था यहाँ पे। बस सोर्स एंड डेस्टिनेशन मैच कर रहे थे, फिर ट्रांसलेटेड सोर्स रख रहे थे, ये नहीं रख रहे थे अपन। बोला अगेन, फिर गया, ट्रैफिक जारी थी, अब फिर बंद हो गई ट्रैफिक। राउटर से चेक करेंगे, राउटर से बराबर जारी ट्रैफिक, नॉट एन इश्यू, बार बार जारी। और यहाँ से भी पिंग, अच्छा वही है ना, यहाँ से भी जारी ट्रैफिक, बस पीसी से ही नहीं जारी। क्यों नहीं जारी? आ गई, पीसी से भी आ गई। ऑलराइट, सो नेट एग्जेम्पशन भी करे अपन, HTTP ट्रैफिक भी अलाउ करे थे 3.1.1.2, वो भी एक्सेस हो गया। ठीक है, शो IP HTTP सर्वर हिस्ट्री। नाउ अब नेट एग्जेम्पशन करे, अब इसकी टेस्टिंग तो हो गई। दूसरी टेस्टिंग क्या है बोलता, अगर मैं इंटरनेट को जा रहा हूँ तो वो इंटरनेट को जा रहा, नहीं जा रहा, इंटरनेट को भी जा रहा हूँ। जब भी ट्रैफिक जो है सो मेरे को प्राइवेट नेटवर्क पे जा रही, अपनी जो डिफरेंट ब्रांच है वहाँ पे जा रही, तो उन्हें नेट नहीं कर रहा, लेकिन जैसा इंटरनेट को जा रही तो इंटरनेट को जाते समय नेट कर रहा उन्हें। ठीक है, और अजीब बात यह है कि अपन यहाँ पे सिर्फ एम्प्टी करके रखे, हालांकि सेम पॉलिसी सेम टू सेम ही रखना था, वो पहले से ही रखा था मैं, लेकिन इसको जैसा एम्प्टी रखा मैं, ऑटोमेटिक पॉलिसी आ गई, उन्हें खुद ऑटोमेटिक उसके अंदर फिलअप कर लिया हूँ। ठीक है, अब FTD के अंदर भी मेरे ख्याल से शो एक्स लेट, तो ट्रांसलेशन हिस्ट्री देख सकते कि भाई आपने जो नेट की पॉलिसी हिट हुई या नहीं हुई, तो उससे अच्छा इसके अंदर देखेंगे शो नेट के अंदर। तो शो नेट के अंदर देखो, सबसे पहले के ऊपर के उस पर जो अपनी VPN की ट्रैफिक है, इनसाइड से आउटसाइड जो अपन नेट नहीं कर रहे, तो उसके भी ट्रांसलेट हो रहे, अनट्रांसलेट भी हो रहे। और साथ ही साथ मैं FTD2 के पास भी गया, अगर मैं बोला शो नेट, तो यहाँ पे भी अपने को ट्रांसलेट होने को देख रहे हैं। ठीक है, FTD2 टू FTD2 इनसाइड। सो नेट एग्जेम्प्ट करें, तो सबसे पहले टेस्टिंग करा था कि नेट निकाल के टेस्टिंग करा, सक्सेसफुल हुआ था, फिर वापस जो है सो सेम पॉलिसीज लगाया नेट के लिए,
कुछ भी चेंज नहीं करा, सेम टू सेम लगाया, खाली वो एक डेस्टिनेशन में स्पेस एम्प्टी रखा था, बाद में उन्हें सेम टू सेम फिलअप करा, ऑटोमेटिक आ गया। तो पहले नेट निकाला आया, फिर बाद में नेट लगाया, फिर कंटिन्यूसली आ रहा। तो ये ट्रिक बोल सकते या तो वर्क अराउंड बोल सकते इसको। ठीक है, ये था तुम्हारा वीपीएन।